एक सस्ता 1000 वाट का सोलर सिस्टम जिसके अंदर इन्वर्टर भी है, पैनल भी हैं और बैटरी भी है एक अदद, और ये आपके 5 पंखे और 5 लाइटें एक टाइम पे चला सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजिन, मेरा नाम फैसल शाह, देख रहे हैं डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। नाजिन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे सोलर सिस्टम के बारे में जिसकी कैपेसिटी 1.2 KVA है, यानी 1000 वाट समझ लें आप, और इसके ज़रिए आप अपने पंखे भी चला सकते हैं, 5 और लाइटें भी चला सकते हैं। पूरा दिन फ्री में चलेगा, आधी रात फ्री में चलेगा, अगर आपने 5 के 5 पंखे चलाने हैं, अगर 2 या 3 पंखे चलाने हैं तो आपकी रात के भी 11-12 घंटे भी निकल सकते हैं। तो जनाब, इसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ आपको एक अदद इन्वर्टर चाहिए 1.2 KVA का, दूसरी चीज़ आपको चाहिए 340 वाट के सोलर पैनल प्लेटें, और तीसरी चीज़ आपको चाहिए फोनिक्स की ट्यूबलर एक अदद बैटरी। तो ये इसकी प्राइसेस मैं आपको बता देता हूँ ब्रेक डाउन करके। होमेज का इन्वर्टर मैंने चूज़ किया है क्योंकि लो कॉस्ट है और गुड वैल्यू फॉर मनी है, और सेंट्रीफ्यूगल कूलिंग सिस्टम के साथ बहुत सारे लो कॉस्ट में नहीं आते ये। तो इसकी जनाब कीमत 23,000 रुपये है। इसका मॉडल है वर्टेक्स HVS1214SCC। तो ये आप ले सकते हैं 23,000 रुपये का। उसके बाद तीन आपने 340 वाट के इसके ऊपर पैनल लगाने हैं, तो इनकी कीमत एक की 14,500 रुपये है, तो इसमें तीन की हो गई जनाब 43,500, 43,500 रुपये। और उसके बाद एक अदद बैटरी ट्यूबलर आपने लगानी है, तो आई पर्सनली प्रेफर के जो फिनिक्स की बैटरी है बहुत अच्छी, क्योंकि पाकिस्तानी लोकली मेड, वारंटी अवेलेबल, 1 साल की सर्विस ईजिली हो जाती है। तो इसकी जनाब फिनिक्स ट्यूबलर TX1800 मॉडल है और 175 एम्पेयर की ये बैटरी है, और इसकी कीमत है जनाब 24,000 रुपये। तो ये तीनों चीज़ें जब आप मिलाते हैं तो ये जाके 90,000 रुपये का बनता है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे आपको वायरिंग और फिटिंग विटिंग सारा ट्रम पटरम लेके, तो आपका 1,00,000 रुपये में ये सिस्टम तैयार हो सकता है। इस 1,00,000 रुपये के सिस्टम में आप 5 पंखे चला सकते हैं नॉर्मल 220 वोल्ट वाले अच्छे सही पंखे, यानी कूलर भी चल सकता है डेफिनेटली, और उसके बाद में आप 5 लाइटें चला सकते हैं दिन में पूरा दिन फ्री, रात को आधी रात फ्री अगर आपने 5 पंखे चलाने हैं, और अगर आपने 2 या 3 पंखे भी चलाने हैं तो ऑलमोस्ट सारी रात भी निकल सकती है, और जो थोड़ी बहुत बिजली शॉर्ट होगी तो वो वापडा से लेकर पूरी कर लेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।